दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव। आज मैं आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो हाड़ौती के बारा जिले के एकलेरा तालाब से है, और ये एकलेरा सागर कहते हैं इसको। बहुत बड़ा सागर है, इसमें बरसात का पानी डंप होता है, और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर टेल है, और यहाँ से नहर पानी निकाला जाता है, नहरें जाती हैं, सिंचाई होती है, और सागर इसलिए इसको इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़ा बड़े क्षेत्र में ये तालाब है। अब आज आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो मेरा भारतीय संविधान संवैधानिक विकास से है। भारत का जो संविधान बना, इसका संवैधानिक विकास किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे होता गया, इस संदर्भ में मेरा आज का वीडियो है। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि 1600 में अंग्रेज इस देश में आए, और वो व्यापारी रूप में आए और इस देश के मालिक बनकर रहे, और उन्होंने मालिक बनने के बाद जो व्यापारी रूप में आए थे उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी, और हदें इस तरह से पार कर दी कि वो भारतीयों से रिश्वत लेने लगे, भारतीयों से रिश्वत लेकर अपने देश ले जाने लगे, उनसे गिफ्ट लेने लगे, उनको परेशान करने लगे। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने जो प्रेसिडेंसी बनाई थी बंगाल, चेन्नई और कलकत्ता में, तो जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था क्लाइव ने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, इसके बाद उसने बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में, और इलाहाबाद की संधि की। ये इलाहाबाद की संधि ही वह कारण था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का विषय बना। दोस्तों क्लाइव ने क्या किया, 1764 में जब अंग्रेज़ों ने लगभग उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, मुग़ल जो शहनशाह जो था शाह आलम जो निर्बल हो चुका था और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गया था, उसे संधि की, और संधि में उसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्त कर ली। अंग्रेज़ों ने जो इस देश को लूटा, इससे जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने इनके अधिकारों को सीमित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, ये 20 साल के लिए बना, कि 1773 के बाद जब अगला जो भी कानून बनेगा वो 1793 बनेगा, लेकिन ये 11 साल तक ही रहा, क्योंकि 1784 में फिर पिट्स का इंडिया एक्ट आ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषताएं थी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो भी वारेन हेस्टिंग ही बना। इसके पश्चात कलकत्ता, बंगाल और चेन्नई और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई, और यहाँ का जो गवर्नर था उसके अधीन वो शासन करने लगे। अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को जो यहाँ से गिफ्ट और वो सब लेते थे, घूस लेते थे, वो सब बंद कर दिया गया। सारा अधिकार जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आ गया। भारत में पहली बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना 1773 में, और पहला भारत का पहला जो न्यायालय स्थापना हुई 1773 में, और जो पहला जज था वो सर एल्जा एम्पे था। उसके जो जूरी के सदस्य थे उसमें 4 लोग थे जिसमें सर एल्जा एम्पे था, और हाइट था, चैम्बर्स था और लिसेस्टर था। ये 4 लोगों को मिलाकर एक बोर्ड बनाया गया, जूरी, जिसका सारा डिसीजन लंदन में होता था। पहला जो केस था वो नंद कुमार का था, नंद कुमार वर्सेस सरकार, और ये एक फर्जी केस था जिसमें वारेन हेस्टिंग ने उसको फंसाने के लिए, नंद कुमार को फंसाने के लिए कुछ गवाहों की ज़रूरत पड़ी, और उसने उसको पहला कोर्ट 1773 कलकत्ता में, पहला जज सर एल्जा एम्पे, पहला केस नंद कुमार वर्ड सरकार, पहली फांसी नंद कुमार की, और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ये वह विषय थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पास हुए थे। दोस्तों इसके बाद ये 20 साल के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, ये हालांकि 11 साल तक ही रहा, और 1784 में जो फिर दूसरा जो एक्ट आया वो 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया। अगला मेरा वीडियो जो होगा वो पिट्स के इंडिया एक्ट पर होगा। मैं अब आप भारतीय संवैधानिक विकास क्रम को आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता चलूँगा। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में यदि किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई परेशानी है, किसी कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। ये एकलेरा सागर है, यहाँ पर मत्स्य पालन होता है, यहाँ पर मछलियों का पालन होता है,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जाल पड़ा हुआ है मछलियों का, ये जाल लगा हुआ नहर में ताकि जो मछली वो निकली और इनका वो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।